नमस्कार साथियों, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। अभी एक और घटना निकल के आ चुका है, बात करूंगा सिवान जिला में हूँ, सिवान स्टेशन रोड यानी कि सिवान होटल इंटरनेशनल के जस्ट बाजू में हूँ। और आप देख सकते हैं कि अभी एक बहुत बड़ी घटना निकल के आ रही है, लेकिन इस घटना में किसी को क्षति नहीं पहुँचा, लेकिन गाड़ी को ही क्षति पहुँचा हुआ है। एक जो यहाँ पे यात्रीगण थे यानी जो ड्राइवर थे, जो एक मतलब युवा, उनका कहना है कि हम ब्रौली से चल कर आए हैं और स्टेशन में अपने अंकल को छोड़ने गए हैं, छोड़ कर हम लौट रहे थे अपने घर के लिए। और उसके बाद से वो जा रहे थे जैसे ही, लेकिन ये जो आप देख सकते हैं डाइवर्सन है, जो ये डाइवर्सन पे इन लोगों का कहना है कि दिख नहीं रहा था, और इसमें टकराव से मतलब गाड़ी उछाल हुआ है, उछाल होने के बाद से गाड़ी पलटा हुआ है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में पलटने के बाद से यहाँ पे जो भी लोग इसमें थे, लेकिन उन लोगों को किसी भी तरह का क्षति नहीं पहुँचा है। अभी जो इसमें परिजन थे वहाँ बैठे हुए हैं, उसमें महिलाएं भी थी, और खासकर जो ड्राइवर थे मतलब उनके परिवार से एक लड़के युवक हैं, उनका कहना है कि हमने गाड़ी को बहुत स्लो में चलाया, लेकिन ये यहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं, गाड़ी तेजी में थी या जो भी थी। आई बात करते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं थे, यहाँ पे जो युवक हैं जो ड्राइवर मतलब चला रहे थे, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की जो घटनाएँ घटी, क्या कुछ कहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो स्थिति है और बहुत बुरा स्थिति हो चुका है, और डाइवर्सन की वजह से यहाँ जो जानता है उन जानता से बात करते हैं कि ये किस तरह के, आप यहीं के हैं, यही घर है जी, कैसे घटना घटाई, कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए। तो मैं तो अभी तो आया हूँ दुकान से, अभी दुकान से आए, दुकान से आया हूँ, देख रहा हूँ कि हर बेर और हर वक्त यहाँ पे जब न तब घटना होते रहता है, हर वक्त मतलब डेली कोई ना कहीं घटना हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ये ग्रुप की वजह से हो रहा है, डिवाइडर की वजह से हो रहा है, इसमें लाइट नहीं है, लाइट नहीं है जी, रेडियम नहीं है, उसके वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, इसमें नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं कोई ख्याल नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आप? कह रहे हैं हम, मेरी कहने का मतलब है कि यहाँ रेडिएशन होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, रेडियम, हाँ एकदम, यहाँ डेली का डेली यहाँ पे भी हो रहा है, आगे आपको आगे भी हो रहा है, ये पांचवी छठी बार है, इससे एक महीना पहले डेढ़ महीना पहले ब्लोरो वाला वहाँ से चढ़ा दिया था बिना रेडियम के वजह से, तो दोनों साइड रेडियम होना जरूरी है। वार्ड ये शायद 28 में या 28 में आता है शायद, यहाँ के जो नगर परिषद के जो वार्ड चेयरमैन है, जो उनसे भी को, कोई मतलब कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, मतलब कोई देखरेख नहीं होता, नहीं कोई देखरेख नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेली आए दिन घटनाएं घट रही है, और खासकर अभी जो घटना घटा है, ये गाड़ी है आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, और भी ये घटना घटा हुआ है, और लोगों से जो बात निकल के आ रहे रेडियम, लोग कह रहे हैं रेडियम निकल के आ चाहिए, और तमाम तरह की जो चीजें हैं यहाँ पे दिख रही है, और इसमें जो भी लोग, और यहाँ पे अभी सिवान चुकी है, सिवान नगर थाना पहुंच चुके हैं, और इस स्थिति को जायजा लेने पहुंचे हुए बात करते हैं, सब यहाँ पे सर पहुंचे हुए हैं, सिवान नगर थाना के साथ पहुंचे हुए हैं सर से, थोड़ा सा भैया एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट सर, अभी जो गाड़ी चालक जो थे अभी यहीं पे हैं, सर पहुंचे हुए, सर से थोड़ा जायजा लेते हैं कि किस तरह की जो घटनाएं घटी हैं, आम लोग हैं जो बोल रहे हैं कि आए दिन घटनी हो रही है, सबसे पहले सर स्वागत करते हैं चैनल में, क्या कुछ कहेंगे सर कि लोगों ने क्या कहेंगे अभी के अंदर स्थिति नहीं, अभी जो घटना घटा है, एक्सीडेंट हुआ है, अभी तो ये पता चला गाड़ी चला रहा जी, नहीं लगा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये कोई बात थोड़ी, आप इतना बड़े नहीं, मेरी चाची थी, मेरा भाई था, कहाँ घर है, बरौली है, बरौली से जी जी, हम भाई रेलवे स्टेशन आए थे चाचा, तो जी जी, दूसरे नंबर पे गियर पे कितना रहता है गाड़ी, 30 रहता है, 30 से ऊपर जाता ही नहीं है, अभी सब ठीक है, स्पीड कम रहने की वजह से कुछ हुआ नहीं किसी को, लेकिन क्या बोलेंगे नहीं, देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह का चोट पहुँचा नहीं है, और जो लोग यहाँ पे हैं स्थिति में सही है, हालात सही है यहाँ पे, बट गाड़ी का स्थिति आप देख सकते हैं कि अभी सिवान प्रशासन तो जो अध्यक्ष हैं, शायद जो भी नगर अध्यक्ष हैं, वो पहुँचे हुए हैं इसका जायजा लेने के लिए। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो ये गाड़ी का स्थिति है, हालात है, काफ़ी गंभीर रूप से स्थिति दयनीय दिख रही है, और यहाँ पे लोग जो हैं कि सभी लोगों का कहना है कि आए दिन यहाँ पे स्थिति जो घटनाएँ घट रही डाइवर्सन की वजह से,
मतलब हालात जो है हमेशा नाजुक बनी रहती है। तो आप देखेंगे होगा कि जो यहाँ की स्थिति है, आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में कितने तरीके से यहाँ पे मतलब ये सारे पीछे सारे तरीके से गाड़ी का हालात देख सकते हैं। आइए थोड़ा गाड़ी का हालात दिखाते हैं आपको। एक तरीके से मतलब गाड़ी मतलब पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, टूट चुकी है। और ये कंपनी कौन सी गाड़ी है ये देखते हैं थोड़ा सा। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी जो भी गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी का स्थिति दयनीय हो चुका है। पूरा डिजायर गाड़ी है, डिजायर है। और ये गाड़ी डिजायर जैसे कहें कि इतनी बड़ी कंपनी डिजायर, और मतलब थोड़े से मतलब चोट की वजह से भी आपकी गाड़ी मतलब ध्वस्त हो चुकी है। ये लोग बोलते हैं कि कंपनी वाले बहुत सारे कि सेफ्टी का भी लेकर ख्याल रखता है, लेकिन क्या गाड़ी का स्टील का मतलब सेफ्टी है कि इसमें चीज़ों पे ही इसका ध्वस्त हो चुका है। और आप देख सकते हैं मेरा उनमें कि मतलब सारा चीज़ इसमें टूट चुका है। और अब मुझे अंदाजा लग रहा है कितनी ऊँची गाड़ी गई है और कितनी तरीके से नीचे गिरी है, कितनी स्पीड से। तो ये यहाँ का जो जानता है वही बता सकती है, बाकी जनता तो बोली आए दिन यहाँ पे घटनाएं घट रही है। और ये गाड़ी डिजायर है, लेकिन अच्छा यहाँ पे जो जनता, आप क्या कहेंगे सर, यहाँ पहुँचेंगे ऐसा मतलब गाँव के लोग हैं, यहाँ पे जो घटनाएं घट रही है किस तरह की स्थिति बता रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा हिंसक नहीं रहे हैं ये घटना घटा, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें आए दिन घटना घट रहा है। हाँ, डिवाइडर की वजह से हो रहा है, डिवाइडर की वजह से। लाइट नहीं है, 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 रेडियम नहीं है, रेडियम ना था, लाइट एक्सीडेंट नहीं होता गाड़ी का। गाड़ी चला क्या रहा हूँ, नहीं रहा नहीं है। तो गाड़ी में भी तो लाइट होता है ना? गाड़ी में होता है, इधर से भी गाड़ी जा रही है, इधर से भी गाड़ी जा रहा है, कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा। हाँ, तो इसका मतलब तो आप देख सकते हैं। मैं बताऊंगा वीडियो को लाइक रिकमेंड कर सकते हैं। अभी स्थिति सही है, यहाँ पे सीमान पर सदन पहुँच चुकी है और सभी लोग जायजा ले रहे हैं लोग, हालात सही है। और इसको गाड़ी को हटाया जा रहा है, साइड की जा रहा है। मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।